हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। इस सेशन में आज हम सीखने वाले हैं कि स्लैब जो कास्टिंग करते हैं हम लोग घर के लिए, स्लैब कास्टिंग बोले तो छत ढलाई, आप हिंदी में कह सकते हो छत ढलाई, जो छत की जो हम ढलाई करेंगे उसमें सीमेंट क्या आएगा, सैंड क्या आएगा, रोड़ी क्या आएगा, स्टील क्या आएगा, जो स्टील को बांधते हैं एक वायर से वो कितना यूज़ होनी चाहिए और लेबर कॉस्ट क्या होगा। अगर आप क्लाइंट हो, खुद के लिए आप घर बनाना चाह रहे हो या सोच रहे हो या बना रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको इन सब चीज़ आइटम्स की रेट्स और क्वांटिटी पता चल जाएंगे, राइट। अगर कोई सुपरवाइज़र है या एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर है तो वो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसके लिए थोड़ी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगी, सर 1200 स्क्वायर फीट में आपने क्वांटिटी ये ली है लेकिन थियोरेटिकल के हिसाब से ये आ रहा है, वो चीज़ मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर दूँगा, राइट। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। सपोज हम करते हैं, ये कापी और पेन मैंने लिया है, एक रफ के तौर पे हम समझेंगे। आपके पास प्लॉट साइज कितना था, 30 फीट बाय 40 फीट है, समझना पूरी तरह। अगर आप एरिया निकालोगे, एरिया लेंथ इंटू विर्थ अगर आप एरिया निकालते हुए इनका, तो आपके पास क्या हो गया, 30 इंटू 40 1200 क्या आएगा, स्क्वायर फीट आएगा। 1200 स्क्वायर फीट में हम स्लैब कास्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि प्लॉट साइज हमारा ये है, टोटल स्क्वायर फीट ये आ रहा है, लेकिन स्लैब कास्टिंग हम नहीं करेंगे इतना। क्यों? क्योंकि 85% मैक्सिमम 90% आप कह सकते हो कि अगर 1200 का आपका प्लॉट साइज ही है, स्क्वायर फीट है, तो उसमें क्या होगा, ओपन एरिया होगा, साफ्ट होगा, या साइड से आप जगह छोड़ रहे होंगे, स्टेयर केस की ओपनिंग पार्ट होगी, ये सारी चीज़ों के ऊपर तो स्टील यूज नहीं होना है, कोई भी स्लैब कास्टिंग नहीं होनी, जो ओपन एरिया उस पर तो नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर आप 1200 का 15% करोगे तो 180 स्क्वायर फीट में नहीं होगा। तो कितना होगा, 1200 माइनस, अगर 180 स्क्वायर फीट ओपनिंग है, समझ करो आपकी ये ओपनिंग है, तो ओपनिंग को क्या करना, माइनस करना है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, कहने का मतलब है 85% हम कवर्ड एरिया ले रहे हैं, मतलब 85% एरिया में, मतलब अगर सपोर्ट करो 100% आपका 1200 है, इसमें से हम क्या करेंगे 85% कवर्ड कर रहे हैं, तो 15% क्या हो गया, ओपनिंग पार्ट है, इसलिए 15% ओपनिंग करोगे तो 180 स्क्वायर फीट। अब 180 स्क्वायर, 1200 माइनस 180 करेंगे तो आपके 1020 आ जाएगा, 1020 स्क्वायर फीट। तो हम अब स्लैब जो कास्ट करने वाले हैं कितने पे करने वाले हैं, 1020 स्क्वायर फीट भी, इतना गहराई से कोई नहीं बताएंगे, ठीक है। 1200 का प्लॉट साइज था जिसमें कि ओपनिंग पार्ट 180 स्क्वायर फीट है हमारा, एज पर आपके साइड पे जितना भी हो जाए उतना टोटल एरिया उतना आप माइनस करके आप कर सकते हो, राइट। अब देखो 1020 स्क्वायर फीट, तो 1020 स्क्वायर फीट पे मैं कैलकुलेशन करूंगा, सीमेंट कितना आएगा, सैंड कितना आएगा, एग्रीगेट करूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट, राइट। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वाले पार्ट पे। प्लॉट साइज 30 फीट बाय 40 फीट, 1200 रिक्वायर्ड मटेरियल, यहाँ पे एक स्लॉट में मैंने लिखा है मटेरियल, और पहले वाली वीडियो में, जो पिछले वाली वीडियो मैंने बात किया था, वहाँ पे हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, एक ही चीज़ है, आप मटेरियल लिख दो, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम लिख दो, जो अच्छा लगे आप वो लिख दो। अब कहने का मतलब यह है क्वांटिटी इनटू रेट, यहाँ पे हम क्वांटिटी भी पुट करेंगे, रेट भी पुट करेंगे, राइट। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट, तो अब बात कर लेते हैं सीमेंट 1020, मैंने अभी क्या बोला आपको, 1020 होता है हमारे पास 1020 स्क्वायर फीट, और बाकी जो 1200 में से मैंने लेस किया वो ओपनिंग पार्ट था, तो जो हम स्लैब डालने वाले हैं 1020 स्क्वायर फीट पे, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो सीमेंट, अगर स्लैब तो सीमेंट आपका 117 बोरी सीमेंट आपकी लगेगी, 117 बैग्स लगेगी सिर्फ स्लैब पे, लेकिन उसके नीचे हमारा लटक बीम भी आता है, आप लोगों को पता है कि स्लैब के नीचे हमारा बीम आता है, ठीक है। तो उस बीम में भी तो सीमेंट यूज होगी, तो उस बीम के लिए अप्रॉक्स 17 बोरी से 18 बोरी यूज हो जाता है। अगर आप 117 प्लस 118 बैग करोगे, 117 प्लस सपोज करो स्लैब में यूज हो रहा है 117 बैग्स, इतना ही यूज हो रहा है, और आपके बीम में, अब बीम का कैलकुलेशन अलग से होती है, स्लैब का कैलकुलेशन अलग से होती है, इकट्ठा नहीं तो आप मिस कर जाओगे, राइट। अब क्या 17-18 बैग्स इसमें लगती है, अगर आप इनको करोगे तो 135 बैग्स आएगा। तो सीमेंट की क्वांटिटी मुझे पता चल गया कि 135 बैग्स। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, अगर आप ये चीज़ सीखना चाह रहे हो कि कैसे निकालते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि इसी चीज़ से रिलेटेड एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, बिल्डिंग की निकालना, एस्टिमेशन की पार्ट सिखाना, बिल ऑफ क्वांटिटी सिखाना, ये हर एक पार्ट हम एक हर एक चीज़ पे वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। तो 130 बैग्स आपका क्या आ गया, सीमेंट आ गया। 130 बैग्स इंटू रेट से मल्टीप्लाई करना, आपको रेट से मल्टीप्लाई करना है, रेट हमारे तरफ जो है वो 400 रुपया है, आपके मार्केट के अकॉर्डिंग जितना भी है आपको रेट को पुट कर देना, राइट। अब मैं केल्सी निकाला, ठीक है,
और 400 × 135 बैग्स करोगे तो 54,000 रुपया समथिंग आएगा आपके पास। कितना आएगा? 54,000 रुपया समथिंग। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, इतना ही है, 54,000 रुपया समथिंग आ गया, राइट। आपको सीमेंट के बारे में पता चल गया। अब सैंड कितना यूज होने वाला है, सबसे बड़ी बात। यहाँ पे भी टर्म्स एंड टेक्निकल टर्म्स एंड कंडीशन को समझना है आपको। अगर आप क्लाइंट हो या सुपरविजन कर रहे हो तो इस पार्ट को जरूर समझ लेना। 248 CFT, देखो जो भी हम एग्रीगेट और जो हम सैंड को हम बालू बोलेंगे, एग्रीगेट को रोड़ी बोलेंगे। जैसे आप गिट्टी भी कर सकते हो, बालू कर सकते हो, अगर दिल्ली अकॉर्डिंग में आए तो डस्ट बोल सकते हो, जमुना की सैंड बोल सकते हो। तो ये 248 क्यूबिक फीट ये हमारा थियोटिकल पार्ट से इतना यूज होता है। लेकिन एज पर साइट क्या है, एज पर साइट क्या है कि फेल हो जाता कभी कभी। क्यों? रीजन क्या है? जो स्लैब कास्ट में कर रहा हूँ तो इसका ग्रेड हम लिखा नहीं हूँ, तो ग्रेड मैं आपको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे ग्रेड लिख देता हूँ, M20 ग्रेड का कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं स्लैब पे, राइट। जो कि इसका रेशियो होता 1:5:3। साफ तौर पे मैं कहने वाला हूँ कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड और 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट है। इतना तो समझ गया। और M20 क्या है, 20 क्यों लिखते हैं, इसका क्या रीज़न है, इनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, जाके देखिए आप। M20 ग्रेड का ये हमारा रेशियो यूज हो रहा है इसमें। सब कुछ करो, जब ये रेशियो हम यूज कर रहे हैं तो कभी कभी होता क्या है कि ये तो फिक्स क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन आप जब देखोगे एच पर साइट, जब आपका मैकेनिकल मिक्सर, जब मशीन आपकी स्टार्ट होती है, आपने देखा होगा मैकेनिकल मिक्सर कैसे घूमते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, रोड़ी डालते जाते हैं। जैसे हम सपोज करो 1 बैग एक एक बोरी के माल बना रहे हैं, याद करना, 1 बैग सीमेंट मैंने बनाया, 1.5 बोरी बदरपुर डाला, 3 बोरी एग्रीगेट डाला। लेकिन साइड पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो टोकरी से डालते हैं, वो टोकरी का हिसाब रहता है। 6 टोकरी अगर डबल करके माल बना रहा है तो 6 टोकरी वो गिट्टी डालेगा, 3 टोकरी वो बालू डालेगा और 2 टोकरी वो सीमेंट डालेगा। लेकिन देखना सीमेंट की जो क्वांटिटी होगा वो प्लान देता है, वो टोकरी में देखना प्लान जाएगा, और रोई भी आपका प्लान ही डालेगा। लेकिन ये डस्ट जो है देखना, वो मंदिर की तरह बना लेगा उसी के ऊपर, टोकरी के ऊपर। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपके हर एक क्वांटिटी मैच के अकॉर्डिंग नहीं गया, मतलब हर एक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, मतलब इस रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं गया। सीमेंट सीमेंट 1.5 जाना चाहिए तो वहाँ पे 2 चला गया, तो 0.5 का फर्क आ जाता है। इसलिए सैंड क्या है, 0.5 बढ़ जाएगा आपका। इसलिए ये 248 है तो हो सकता है 280 भी लग सके आपको इस पर साइड, अगर आपका ये एरर आया साइड पे। समझ गया मैं क्या करना चाह रहा था। तो चलिए हम रेट से मल्टीप्लाई करते हैं 55। अगर आप परफेक्ट क्वांटिटी के साथ दोगे तो यही यूज होगा, यही यूज होगा। 10x20 स्क्वायर फीट में स्लैब के कास्ट करेंगे तो यही यूज होगा, राइट। एरर की वजह से हमारा वहाँ पे सीमेंट भी बच जाता है और एग्रीगेट बदरपुर नहीं बचेगा, आपका बालू नहीं बचेगा। वो देखना ज़्यादा खपत होगा, ज़्यादा मात्रा में खपत होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए वो चाहते ही है वो, क्योंकि रोई जो होता है हमारे स्लैब पे, उसको क्या होता है कि लेबर और मेसन को उसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए वो क्या करते हैं कि ज़्यादा मात्रा में सैंड यूज करते हैं, जो कि ये गलत है। जो हमारा रेशियो है एज पर रेशियो, फिनिशिंग के लिए थोड़ा बहुत हम प्लस कर देते हैं, अगर फिनिशिंग रोड़ी की मात्रा अगर बड़ी है, 1.25 का अगर आपके पास आ गई रोई, तो वहाँ पे हम सैंड का मात्रा हम बढ़ाते हैं, ये भी बात है। लेकिन आपकी रोई ठीक है, आपने रोई 0.5 इंची मंगाई है, साथ में जीरा रोई भी मंगाए, तो उसमें आपको सैंड की क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये बात। अब 248 क्यूबिक फीट × 55 रुपया, 55 रुपया क्या है, मार्केट वैल्यू प्राइस रेंज, आपके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे पुट कर दोगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 113,640 रुपया, 613,640 रुपया। कैलसी में हम पुट करके देख लेते हैं, 248 × 55, ठीक है, 55 दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो हो गया 13,640 रुपया, राइट। अब बात करते हैं एग्रीगेट की। एग्रीगेट हमेशा सैंड से 2 गुना यूज होगा, याद रखना, चाहे M20 ग्रेड का हो, M25 ग्रेड का हो, या M15 ग्रेड का कंक्रीट हो, जो ज़्यादातर यही तो RCC में यूज किया जाता है, तो वो हमेशा सैंड जितना भी होगा उसका 2 गुनी होगी एग्रीगेट यूज। बस आपको निकालने और कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, एक बार आपको सैंड का पता चल गया तो आप इसी से निकाल सकते हो, राइट। अब 2 गुनी का मतलब क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। अगर आप सुपरविजन हो या आप फ्रेशर सिविल सीखना चाहते हो कैसे निकालते हैं तो मैं बता दूंगा, एक सेकेंड में आप निकाल सकते हो। 496 CFT मतलब क्यूबिक, ये भी टर्म्स हम समझा देंगे, क्यूबिक फीट क्या होता है, राइट। इंटू 55 करोगे आप तो आपके पास आएगा 27,280 रुपया, राइट। अब हम बात करते हैं स्टील।
जो उसके अंदर स्टील यूज होने वाले हैं, क्योंकि कॉलम के स्टील से लेना देना इसमें नहीं है, क्योंकि हम स्लैब पे स्टील यूज करेंगे और उसके साथ जो बीम हमारा रेस्ट होगा डाउन थ्रू उसका हम स्टील यूज करेंगे, राइट। तो उसमें जो यूज होने वाला है 1530 kg स्टील आपका यूज होगा। अगर मेट्रिक टन की बात करें तो 1.530 मेट्रिक टन यूज होने वाला है, इंटू 70 करूँगा, क्योंकि आपके पास अलग अलग कंपनी की मार्केट में अवेलेबल है क्या स्टील की क्वालिटी, राइट। कामधेनु की है, टाटा की है, JSW है, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी साइट है, ठीक है। तो सबकी रेट कुछ ना कुछ माइनस प्लस है। मेरे मार्केट में जो एज पर साइट जो मैंने पकड़ा है, जो ज़्यादातर जो हमारे साइट पे यूज होता है, राठी की सरिया वगैरह यूज होता है, ये आपको 66 to 70 rupees के आसपास मिल जाता है। लेकिन मैं ये कंसीडर करूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपके मार्केट वैल्यू एक बार ट्राई कीजिए, जो भी रेट होगा आपको यहाँ पे पुट करनी है और मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आपके पास आ जाएगा, अगर आप स्टील निकालते हो तो 1,07,100 rupees आपका स्टील पे खर्च होने वाला है, राइट। अब हम स्टील वायर देखो, हम स्टील तो एज पर साइट मैंने मंगा लिया, स्टील मैंने मंगा लिया, बट आपको ये नहीं पता स्टील वायर कितना मंगाया। हमेशा याद रखना, जितना भी आपका स्टील की क्वांटिटी निकलेगा उसका 1% हमेशा क्या होगा, स्टील वायर यूज होगी, स्टील वायर यूज होगी। अगर आप 1530 का 1% निकालोगे तो आपके पास तकरीबन 15 kg स्टील लगने वायर लगने वाला है। वायर का दाम 85-90 rupees के आसपास होता है, मैं 80 rupees पकड़ रहा हूँ। आपके मार्केट वैल्यू के प्राइस जो भी है आप यहाँ पर रेट पुट करके अपना प्राइस निकाल सकते हो, राइट। अब देखिए लेबर कॉस्ट क्या पड़ने वाला है। देखो एक तो होता है कॉन्ट्रैक्टर, जीरो बेस पे हम काम दे देते हैं, जो फाउंडेशन एक्सर जैसा हम सारी चीज़ करके देते हैं, प्लास्टर करके देते हैं, यहाँ तक कि छत में रोड़ी कुटाई के देते हैं, मट्टी के डाल के देते हैं, सारे वर्क जितना भी होता है, प्लास्टर ब्रिक वर्क वगैरह वगैरह सारे वर्क को हमें करके देता है, तो हम मार्केट वैल्यू प्राइस रेट हमारा लेबर रेट में आ जाता है 210 rupees to 230 rupees के बीच। बट सिर्फ हमें स्लैब कास्टिंग का हम निकाल रहे हैं तो आपके पास मार्केट वैल्यू प्राइस होगा 35 to 40 rupees जो मैंने पकड़ा है। तो मैं कास्टिंग कितना पे कर रहा हूँ, 1020 पे, भले मेरा 1200 square feet की प्लॉट है लेकिन मेरा स्लैब कास्टिंग हो रहा है 1020 पे। ये क्या 1020 square feet, और एक स्क्वायर फीट का दाम मेरे से लिया है 35 to 40 rupees के बीच पड़ता है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 35,700 rupees आएगा, 35,700 rupees आएगा। आप इसको टोटल अगर करते हो तो 238,920 rupees। अब कैसे एक बार कैलसिस लेते हैं, फटफट कर लेते हैं, 54,000 + 13,640, ठीक है, प्लस उसके बाद 27,280 प्लस उसके बाद 1,07,100 प्लस 1200 rupees आपके स्टील वायर का, और प्लस 35,700 rupees लेबर चार्ज, 35,700 rupees लेबर चार्ज। अगर आप इंटू करोगे, अगर आप इंटू करोगे तो आएगा 238,920 rupees। तो आपने देखा कि एक स्लैब के ऊपर जो स्टील जो हम स्लैब कास्ट करेंगे उसमें होने वाला स्टील आरसीसी वर्क में स्लैब कास्टिंग में कितना कॉस्ट पड़ा, 238,920 में टोटल। बट इसमें एक चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, वो है कंड्यूट पाइप, जो ज़्यादातर अभी जो अभी आज के ज़माने में जितने भी कंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है, चाहे वो होम का मतलब गाँव के तौर पर हो या विलेज का हो या सिटी का हो कहीं का भी हो, तो उसमें क्या होता है स्लैब में हम स्लैब में अभी क्या करते हैं कंड्यूट पाइप डलवाते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, क्योंकि बीम के थ्रू या दीवार के थ्रू हम वहाँ पे हाफ डाल देते हैं, मतलब कहने मतलब वो मतलब सप्लाई लेने के लिए हम बैंड डालते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी कंसील बॉक्स होता है वॉल में फिटिंग हो जाता है, हम ओपन वायर नहीं करवाते, ओपन वायरिंग नहीं करवाते, ओपन इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं कराते, ठीक है। ज़्यादातर ओपन वायरिंग पहले के ज़माने होता है, आज के डेट में सारी कंसील्ड है, तो वो चीज़ इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे और कंप्लीट उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने से ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, ठीक है। इस दुनिया में कुछ नहीं है, सारे मोह माया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।